अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग मैंने दोपहर में स्टार्ट किया है, और आज भी मौसम बहुत ही अच्छा हुआ रखा है। होने वाला आप लोगों ने फुल वॉच देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने जरूर लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में जो है, आज मैं जाऊँगी शादी में, निकाह में जाऊँगी सहेली समझो। तो रोहन जो है वो सोया हुआ है। आज जो है ना अनाबिया जो ट्यूशन दोपहर में चली गई है, क्योंकि आज अनाबिया की दोपहर में ट्यूशन थी। और मेरे होलियों को जो है ना वो इग्नोर करना क्योंकि आज मैं ना मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो मैंने ऐसे ही जो है ना ऐसे ही दुपट्टा पहन लिया ऐसे, बस अभी जो मैं पोछे वोछे लगा लूँगी ना, तो उसके बाद जो है मैंने शावर लेना है, और फेस पे जो है वो क्लेंजिंग भी करनी है, फेस का भी कुछ करना है। और हल्के हल्के से आइब्रोज आ गए हैं ना, बिल्कुल हल्के हल्के से आइब्रोज आए हुए, तो इसको भी रिमूव कर लूँगी ऐसे ही। तो चलिए अभी जो है अनाबिया तो ट्यूशन चली गई है, और मैंने किचन का भी सारा काम कर लिया है। बस बर्तन जो है ना वो अपनी जगह पे लगाने हैं, और घर की मैंने सारी साफ सफाई कर ली है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो बस अभी जो है मैंने बर्तन जो है ना अच्छे से जो है ना पानी जो सूख जाएंगे ना बर्तन, तो फिर मैंने इसको लगा देना है। और उसके बाद जो है ना अभी मैंने कपड़े भी प्रेस करना है, सब कुछ करना। और आज मैंने कुछ खाने में बनाना नहीं है बिल्कुल भी, वो इसलिए नहीं बनाना है आज क्योंकि मैं जब भी शादियों में जाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, मुझे छुट्टी मिल जाती है। क्योंकि मैंने अनाबिया के पापा को मैंने कह दिया था कि मैं ना आज जाऊँगी शादी में, मुझे बहुत सारे घर के काम भी करने हैं, और इसके बाद जो है ना उन बच्चों को भी नहलाना है, फिर कपड़े प्रेस करने, फिर हाँ बहुत सी चीज़ें होती जब शादी में जा रही होती ना। तो इस वजह से मैंने आज खाने की तो छुट्टी कर ली है। आज अब देखते हैं माँ बनाएगी नहीं बनाएगी, क्या होगा। ये लोग तो खुद का कुछ कर लेंगे, मैं तो जाऊँगी शादी में, शादी से मैं कुछ ले लूँगी या कुछ खा लूँगी, कुछ भी कर लूँगी। तो चलो पहले मैं बर्तन का तेल लगा लेती हूँ। कुछ काम कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, पोछे वोचे जो थे वो भी कर लिया है, ये शीशा जो था ये भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो ये ना ये जो शीशा है ना, ये मिरर, ये अनाबिया जो है ना इतना ज़्यादा गंदा कर लेती है ना, कि कुछ भी लगा रही होती है ना तो पूरा का पूरा गंदा कर लेती है। तो अभी सब कुछ करने के बाद जो है अब मैं करने जा रही हूँ अपने फेस पे क्लेंजिंग, और हल्के से जो बाल जो भी होंगे वो रिमूव कर लूँगी। तो पहले जो है वो क्लेंजर निकालते हैं क्योंकि मैं फ्रीज में रखती हूँ, तो चलिए निकाल लेती पहले। तो पहले मैंने इसे लगा लेना है अपने फेस पे। जब तक ये लगा के रख दूँगी तब तक मैं सारे कपड़े जो है वो निकाल लूँगी, जो मुझे पहनने शादी में वो निकाल लूँगी। रोहन को क्या पहनना है और अनाबिया को क्या पहनूँगी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। तो पहले मैंने इसे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद जो है वह मैं कपड़े निकालूँगी, तो देन फिर इसको मैं निकाल लूँगी मसाज करके। तो चलिए अभी मैं इसको पहले फेस पर लगा लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं अपना कैमरा यहाँ सेट कर लेती हूँ जी, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। पहले मैंने फेस को पानी से वॉश कर लिया था, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ऐसे ही फेस पे लगा रही है, तो मैंने पानी से वॉश कर लिया है। अब इसको मैं लगा लूँगी ऐसे करके लगा लूँगी अपने फेस पे, और फिर जो इसकी मसाज करूँगी मैं। तो
चलो पहले मैं पूरा अप्लाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़े टाइम में। तो फाइनली जो है मैंने लगा लिया है अपने फेस पे, तो अब जो है मैंने इसको थोड़ी देर रखना है। और मेरा फेस हम देख सकते हैं कितना बुरा लग रहा है। तो अभी जो है मैंने इसे थोड़ी देर रखना है, उसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी, फिर जो है वो मैं शावर लेने जाऊँगी तो मैं इसे जो है वो हटा लूँगी। तो बस अभी जो है मैं कर लेती हूँ। कैसी लग रही हूँ? भूतनी लग रही हूँ, भूतनी आज तो। तो चलिए अभी मैं इसको अच्छे से फेस मसाज कर लूँगी, फिर मिलती हूँ मैं आपको। अनाभ्या के लिए मैंने जो है वो ये फ्रॉक निकाला है, अनाभ्या को मैं ये पहनाने वाली हूँ, ये न्यू है। तो अनाभ्या को मैंने ये ड्रेस पहनाना है, और रोहान के लिए मैंने ये वाला निकाला है। तो दोनों भाई बहनों का तो मैंने निकाल लिया, ड्रेस निकाल लिया है, तो मैंने यही पहनना है। तो मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, बस अभी जो है फाइनल तैयार होना है। तो बस अभी जो है मैंने कुछ भी नहीं करना, मतलब अभी जब मैं मम्मी के घर जाऊंगी, मम्मा के घर जाऊंगी, उसके बाद जो है मैं जो भी तैयारी करूंगी वो आपसे शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो है मैं फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़े टाइम में, ठीक है? तो ये है मेरा ड्रेस। तो चलिए अभी मम्मा के घर मिलती हूँ, ठीक है आपसे। तो यहाँ पर हम हॉल में आ चुके हैं, और आप हॉल में मैंने इतना ज़्यादा रश था, मैंने कोई भी शूट नहीं किया। ये तो मेरे ना मामू की बेटी जो है ना वो गिफ्ट दे रही थी, तो मैंने कहा चलो अब आई हूँ गिफ्ट देने, मतलब लिफाफा देने के लिए, तो थोड़ा बहुत शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपना लुक भी नहीं दिखाया था, बहुत ज़्यादा रश था। तो इस वजह से मैंने हॉल में तो कोई भी शूट नहीं किया था, और टाइम भी बहुत हो गया था। रोहान और अनाभ्या जो है ना वो इतना परेशान कर रहे थे ना, तो इस वजह से मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत आपके लिए थोड़ा सा शूट मैंने कर लिया था, कि हम लोग जो है वो शादी में आए हुए हैं। कल मैंने कोई भी शूट नहीं किया था, मैंने छोड़ दिए थे, मम्मी के घर में गई थी, लेकिन मम्मी के घर मैंने शूट नहीं किया था। वो इस वजह से नहीं किया था, एक तो लाइट नहीं थी, ऊपर से जो है वो मेहमान भी थे जो शादी वाले थे, वो मतलब उनके घर के लोग मतलब थोड़े बहुत थे, तो इस वजह से मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने कोई भी वहाँ पर शूट नहीं किया था। तो इस वजह से फिर लाइट नहीं थी, उसी में हम लोग को तैयार भी होना था, और फिर सब कुछ करना था, और गर्मी इतनी शदीद वाली थी। फिर मैंने डायरेक्टली हॉल में जो है ना थोड़ा बहुत ही शूट किया था, वो मैंने आगे क्लिप लगा दिया है, लेकिन ज़्यादा मैंने हॉल में भी नहीं बनाया था। और फिर हमें आते वक्त ना इतना लेट हो गया था, क्योंकि हमने रात को खाना तो खाया ही नहीं था, खाना खा के नहीं गए थे, तो फिर हमें बहुत ही टाइम हो गया था। हम तकरीबन रात के 1 बजे आए थे वहाँ से, हॉल से, और फिर मम्मी के घर मैंने कुछ मंगवाया, मतलब मंगा लिया था, मेरी जेठानी के बेटे से मैंने बर्गर मंगवाए थे, बन कबाब मतलब मंगवाए थे, बर्गर नहीं तो वो कमेंट कर लेगा कि मैंने बर्गर नहीं मंगवाए, तो बन कबाब मैंने मंगवा लिए थे, और फिर हम लोगों ने खा लिया था। और फिर उसके बाद जो है ना मैं रात के 1:30 बजे घर पर ऊपर आई हूँ, तो अनन्या के पापा ने कहा इतना लेट तुम लोग, चाहे किसी की भी शादी हो तुम लोग दुल्हन को जो है ना वो घर तक पहुंचा के ही आते हो, टाइम से पहले घर पर कभी भी मत आना। तो फिर इतना लेट हो गया था, तो मैंने रात को कोई भी वीडियो का एंड नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो अभी आज मैं सुबह में कर लेती, क्योंकि मैं अभी ही उठी हूँ, अभी उठ के मैंने नाश्ता वाश्ता किया, क्योंकि अभी मुझे जाना है मम्मी के घर, क्योंकि हफ्ते वाले दिन जो है ना वो मैं मम्मी के घर जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो अभी इस वीडियो का तो एंड कर लूँ, फिर मुझे अपलोड भी करना है, एडिटिंग भी करना है, अब मैं काम कुछ भी नहीं करूँगी, पहले मैं बैठ के वीडियो की एडिटिंग करूँगी, फिर मैं आप लोगों को लाइव करके फिर मम्मी के घर की जाने की तैयारी करूँगी। तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पर करती हूँ वीडियो का एंड कर लेते हैं। तो चलो वीडियो करते हैं एंड, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।